Hey guys, this is Zahid and you are watching Techno Secrets and guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जैसे जो नया यूट्यूबर है जो पुराने यूट्यूबर होंगे जो भी आपके क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी एडसेंस वो पूरे मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो सीन क्या होता है कि एडसेंस पे जब $10 आप कमा लेते हो, मतलब आप अगर वेबसाइट से अर्न कर रहे हो या यूट्यूब से अर्न कर रहे हो, तो जब $10 की अर्निंग हो जाती है आपके एडसेंस अकाउंट में तो आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने का, और उसके बाद आपको एक पिन वेरिफिकेशन जो है आपके घर पे आपने जो भी एड्रेस डाला होगा उस वहाँ पे आता है, जो उसको कहते हैं एयर मेल से आता है, वो एक एक पेज का वो लेटर होता है उसमें आपका पिन दिया होता है, और जिस दिन भी आपका जनरेट करोगे आप उसके 2-3 हफ्ते में के अंदर वो आपके घर पे आ जाता है, और उसके बाद जैसे ही आप डालते हो आप एलिजिबल हो जाते हो एडसेंस से अर्न करने के लिए। और एडसेंस से मिनिमम आप पे आउट जो है, मतलब मिनिमम पे आउट का मतलब ये होता है कि आप कम से कम कितना आपने अर्न किया वो निकाल सकते हो, वो उसका होता है $100 जो थ्रेशोल्ड होता है उसका, आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे क्या होता है कई बार क्या लोग कहते हैं कि यार $100 निकालने मजा नहीं आ रहा, हम 300 कर लेते हैं 400 कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं यार $100 में नहीं हो पा रहे 50 कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। एडसेंस पे आपको $100 का वेट करना है, उसी के बाद आपके अकाउंट में वो पैसा आता है। अब बैंक अकाउंट जब हमने लिंक कर दिया तो बैंक अकाउंट में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि स्विफ्ट BIC कोड डालने को कहता है। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि स्विफ्ट कोड बेसिकली वो चीज़ है जिससे अक्रॉस द ग्लोब सिर्फ गूगल ही नहीं दूसरों को ये पता चलता है कि आप किस कंट्री में रह रहे हो। तो गाइज जब वो आप लोग को पैसा भेजेगा तो ऑटोमेटिकली वो पैसा जो उसने भेजा है अपने शहर से अपने कंट्री से वो हमारी कंट्री में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगा। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं एडसेंस की, तो एडसेंस में हमें गूगल भेजता है डॉलर्स में, जैसे वो भेजा उसने हमें $100, उसके बाद उन्हें तो नहीं पता ना कि हमारे कंट्री में इस समय $1 का रेट क्या चल रहा है, तो इसीलिए स्विफ्ट कोड का यूज़ होता है। जब वो हमें भेज रहे होंगे तो स्विफ्ट कोड से उनको ये पता चल जाएगा कि हमारे कंट्री में उस समय $1 की कीमत क्या है, और वो कन्वर्ट होके हमें जैसे कभी ₹62 होता है, कभी ₹63 होता है, कभी 62.50 होता है, कभी 61.48, इस तरीके से। तो इसीलिए स्विफ्ट कोड वो मांगते हैं। अब स्विफ्ट कोड का सीन क्या है कि हर बैंक की हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, पहली चीज़ ये है। जैसे कि SBI है तो SBI लखनऊ में हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होगा, लखनऊ में जो मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड है, तो वो अगर आप SBI का आपने बैंक अकाउंट डाला है तो स्विफ्ट कोड अगर आपकी सिटी में जो मेन ब्रांच है उसका डाल दो, अगर सिटी में कोई ब्रांच का स्विफ्ट कोड है ही नहीं तो आपकी जो स्टेट की कैपिटल है उसका कोई ना कोई ब्रांच होगा उसका स्विफ्ट कोड डाल दो अगर उसका होगा अवेलेबल तो। या आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे कंट्री में आपके कोई भी उस पर्टिकुलर SBI बैंक का स्विफ्ट कोड अगर है पूरे कंट्री में किसी भी स्टेट का किसी भी सिटी का आपको मिल गया तो वो डाल दो। इससे क्या चीज़ है ना, इससे ये नहीं होता कि आपका पैसा रुक जाएगा जब वायर ट्रांजेक्शन से आता है, तो इससे बस उनको ये पता करना होता है कि ठीक है ये जो स्विफ्ट कोड है ये पर्टिकुलर इस कंट्री का है। अगर आप एक SBI बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल रहे हो और आपको स्विफ्ट कोड आपने कोटक बैंक का डाल दिया या HDFC बैंक का डाल दिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे ये तो पता चल जाएगा कि आप इंडिया के सिटीज़न हो, और जब वो पैसा भेज रहा होगा तो उसको पता होगा कि किस कंट्री में जा रहा है जब, तो वो कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इसीलिए वो स्विफ्ट कोड मांगता है। तो गाइस सीधा सीधा सीन यही है कि स्विफ्ट कोड अगर नहीं मिल रहा है आपके पर्टिकुलर शहर का तो सिटी का डाल दो, कैपिटल सिटी का, स्टेट का डाल दो, पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं का तो स्विफ्ट कोड मिलेगा वो डाल दो। इस तरीके से क्या होता है हमारी हो जाती है बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल, उसके बाद हमको पैसा आना शुरू हो जाता है, मतलब जो हमारी अर्निंग हो रही होती है। अब उसमें चीज़ क्या फंसती है, बहुत लोग पूछते हैं पहले यार करीब 5-6 साल पहले क्या होता था कि YouTube जो है वो चेक्स भेजता था लोगों को, अभी तो क्या वायर ट्रांजेक्शन से पैसा आता है, तो पहले क्या होता था कि आपके चेक्स आते थे और चेक आने में एक एक दो दो महीने लग जाते थे। जैसे मान लो कि इस महीने हमारी अर्निंग हो गई है $100 पर, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने की 21 तारीख को हमें अर्निंग मिल जाएगी हमारी पेमेंट, तो जब वो चेक भेजेगा इस महीने तो वो इस महीने के 2 महीने बाद पेमेंट मिलती थी, तो ये बहुत ख़राब चीज़ हो गई थी सबके लिए। तो YouTube ने फिर क्या किया, जो गूगल जो मेन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम वायर ट्रांजेक्शन से पैसा भेजते हैं। तो वायर ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है कि जब ये सब आप डिटेल्स डाल देते हो तो हर महीने की 21 तारीख को गूगल आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, और 21 से 25 तारीख तक एट मैक्स 25 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। वो 5-7 दिन इसलिए कहते हैं हर बैंक वाले हर जगह कि
हो सकता है जब उसने भेजा तो क्या पता उस दिन सैटरडे रहा हो, क्या पता उस दिन संडे रहा हो जिस दिन ऑफिशियल हॉलीडेज होती है, या क्या पता उस टाइम कुछ ना कुछ कहीं कर्फ्यू लगा हो, कहीं बाढ़ आई हो, कहीं फेस्टिवल हो, तो वो सारी चीज़ें सब लेके चलते हैं कि 5 to 7 वर्किंग डेज में यू विल गेट योर मनी। तो इसलिए और जब से वायर ट्रांजेक्शन हुई है बहुत सही चीज़ हुई है कि जैसे इस महीने की 21 तारीख को अगर पेमेंट वो बोलता है तो 21 तारीख की रात को इंडिया में 21 तारीख की रात को 1 to 2 मैसेज आ जाता है कि वी हैव सेंड यू योर पेमेंट, यू विल गेटिंग इन नेक्स्ट 5-7 डेज। और उसके जस्ट भेजते ही 23 तारीख तक मेरे को हर बार पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाती है गाइस। तो कितनी सही चीज़ है ना यार कि घर बैठे अर्न भी कर रहे हैं और वायर ट्रांजेक्शन अकाउंट में पैसा भी आ रहा है। एंड गाइस सीन एक ये भी है कि बहुत लोग का ये पूछना है कि एडसेंस अकाउंट में हमारी डेली जो अर्न होती है यूट्यूब से वो उसमें शो नहीं होती है और यूट्यूब के एनालिटिक्स में शो हो रहा होता है। तो मैं ये बता दूँ कि जो यूट्यूब के एनालिटिक्स में शो हो रहा है वही आपकी एक्चुअल अर्निंग है। जैसे मान लो कि डेली $0.30, $1, $2, $10 जितना भी आपका अर्न हो रहा होता है वो आपके एडसेंस अकाउंट में शो नहीं होगा। पूरे महीने का एक महीने में मान लो आपने $50 या $100 अर्न करे, वो आपके नेक्स्ट मंथ जैसे पिछले मंथ लेट्स से कि मैंने अर्न किए $50 पिछले महीने नवंबर में, तो इस महीने के 15 तारीख तक मेरे एडसेंस अकाउंट में वो दिखा देगा एस्टिमेटेड अर्निंग्स में कि $50 अर्निंग हुई है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। और जो आप देख रहे होते हो कि डेली अर्निंग जो है लास्ट 7 days लास्ट 30 days उसमें जो दिखाता है ना वो आपका एडमॉब अर्निंग्स दिखा रहा होता है डेली। जैसे जैसे एडमॉब में क्या होता है कि अगर आपके एडसेंस से लिंक है तो हर मंथ आपका एडमॉब प्लस एडसेंस तो दिखाता ही है, और उसमें क्या होता है कि जैसे आज दिखाएगा $0.30 अर्निंग हुई है एडमॉब से, वो दिखा रहा होता है अर्निंग वहाँ पे, या लास्ट 7 days में कितनी हुई है, लास्ट 28 days में, तो वो पूरा फिल हो रखा होता है एडसेंस में एडमॉब का। और एडसेंस में यूट्यूब का जो अर्निंग होता है वो डायरेक्ट आपको टोटल अर्निंग्स में दिखा रहा होता है गाइस। एंड आई होप गाइस कि मैंने आप लोग की सारी मैथ सब चीज़ क्लियर कर दी हो, और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर अगर आप लोग को पसंद आई ये मेरी बातें मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। बाय।